प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स का विधिवत निरीक्षण करने के बाद एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए छात्र छात्राओं से संवाद कर उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा, बेहतर चिकित्सा सेवा में एम्स महत्वपूर्ण है। यह एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जिसका उद्देश्य आम आदमी को सहज, सुलभ, सस्ती एवं बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि एम्स चिकित्सा सेवा के उच्चतम मानक को प्राप्त करें तथा इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल की आवश्यकता को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जुलाई को 2016 को इसका शिलान्यास किया गया था तथा 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने ओपीडी का उद्घाटन किया। देश के अंदर 6 एम्स स्वीकृत हुआ जिसमें गोरखपुर एम्स के निर्माण कार्य प्रगति तीव्र है। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पण भाव से कार्य करना सबसे बड़ा पुण्य है और चिकित्सकों के लिए इससे बड़ा मार्ग नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि चिकित्सक को संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशीलता चिकित्सक की अच्छाई एवं उसके कार्यकुशलता का परिचायक होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चिकित्सकगण जहां सेवाएं प्रदान करें, समाज को संवेदना से जोड़ना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एम्स के सहयोग, सुरक्षा एवं सुविधा के लिए हर समय अपना योगदान प्रदान करने के साथ ही यदि कोई समस्या आती है तो जिला प्रशासन को अवगत कराएं। जिला प्रशासन सहयोग के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को नियंत्रित किया जा चुका है और इसके इलाज के लिए सीएचसी, पीएचसी, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज आदि में समुचित व्यवस्था की गई है। आवश्यकता है कि बीमारी के लक्षण दिखते ही मरीज को तत्काल नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया जाए ताकि उसका त्वरित इलाज हो सके। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात के लिए जन जागरूकता पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर निदेशक एम्स संजीव मिश्रा, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, आईजी जे एन सिंह, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, उप निदेशक एम्स एनआर विश्नोई, जनप्रतिनिधिगण आदि उपस्थित रहे। जो कि हमारे अभिभावक भी हैं, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता से बहुत ही अल्प समय में हमारे काम करने के लिए भव्य इमारत एवं कार्यशील माहौल बनाया। हम योगी आदित्यनाथ महाराज जी का स्वागत भाषण करने की कृपा करें। अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा का जो सपना देखा था, वह सपना तब साकार होता दिखा जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय मुक्त किया। पूर्वांचल के नागरिकों के लिए चिकित्सा सेवा 2014 के बाद शुरू हुए द्वितीय और तृतीय चरण के एम्स संस्थानों में एम्स गोरखपुर का निर्माण कार्य सबसे तेज गति से पूर्ण हो रहा है। वर्तमान में एम्स गोरखपुर में मेडिसिन, सर्जरी 12 विभागों में ओपीडी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं तथा एम्स अन्य विभागों में भी सेवाएं निकट भविष्य में शुरू करने जा रहा है। उत्तर चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध करना तथा उच्च स्तरीय शोध कार्य करना है जिससे क्षेत्र की मूलभूत सेवाओं का निदान किया जा सके। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एम्स गोरखपुर ने अपना कार्य शुरू कर दिया है और मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष है कि एम्स गोरखपुर में एमबीबीएस के प्रथम बैच का अध्यापन कार्य शुरू हो चुका है। एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन का शिक्षण कार्य प्रारंभ हो चुका है। मैं एम्स गोरखपुर के समस्त शिक्षकगण तथा कर्मचारियों की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके और गोरखपुर की जनता के प्रेम और विश्वास को सदैव ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करेंगे। हमारा उद्देश्य आने वाले समय में एम्स गोरखपुर को चिकित्सा सेवा का अग्रणी संस्थान बनाना है, मानव जाति के कल्याण के लिए उनका समुचित उपाय कर सके। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके यहाँ आगमन पर हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो संजीव मिश्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे गोरखपुर में यहाँ के फैकल्टी मेंबर और जो स्टूडेंट्स के साथ इस इंटरेक्शन के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संजीव मिश्रा जी,
उपनिदेशक प्रशासन सेनार बिश्नोई जी, उपनिदेशक प्रशासन से अश्वनी कुमार माहौर जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त विजयंत नांदीकर जी, पुलिस महानिरीक्षक विजयंत सिंह जी, गोरखपुर के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खालीबाड़ी के मोहन जी, एम्स गोरखपुर के सभी फैकल्टी मेंबर्स और गोरखपुर एम्स में प्रवेश लेने वाले सभी हमारे नए छात्र छात्राएं, मैं आप सबका गोरखपुर का एक वासी होने के नाते हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मुझसे ज्यादा आत्मिक सुख एम्स निर्माण और एम्स की ओपीडी प्रारंभ होने से लेकर के एम्स गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलने के लिए किसी दूसरे को नहीं हो सकती है। इसलिए मैं इस अवसर पर जब मुझे आप सभी इस एम्स से जुड़े हुए यहाँ के सभी पदाधिकारियों, यहाँ के आचार्यों, यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं आप सब के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सब का अभिनंदन भी करता हूं। गोरखपुर में एम्स हो, 2003 में मैंने पहली बार इसके लिए प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी को पत्र लिखा था। 2004 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार केंद्र में चली गई थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार आई, 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद गोरखपुर आए थे, प्यारी मेडिकल कॉलेज का उन्होंने विजिट किया था, ये इंसेफ्लाइटिस के मरीजों को देखने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उनका बयान, एक बयान उन्होंने जारी किया कि इंसेफ्लाइटिस के उपचार की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने संसद में उनके खिलाफ एक मोशन दिया, काफी जद्दोजहद के बाद मुझे संसद का एक मोशन है कॉलिंग अटेंशन का, तो उसमें मुझे मौका मिला जिसमें मंत्री के साथ आमने सामने संसद के फ्लोर पर बहस कर सकते हैं, कोई सांसद बहस कर सकता है। मैंने उनसे इस बारे में कहा, सर ये 2009 के बाद की बात, तो मैंने उनसे इसी बारे में चर्चा की कि आखिर आपने किस कैसे कह दिया कि इंसेफ्लाइटिस की बीमारी केवल राज्य सरकार का विषय है, जबकि इंसेफ्लाइटिस से तो हमारे देश के एक दर्जन से ज्यादा राज्य प्रभावित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, उस समय तेलंगाना नहीं बना था, तमिलनाडु, तो कैसे आप इसको कह सकते हैं? ये बहस चलती रही तो मैंने अंत में मंत्री का जवाब भी थोड़ा संतोषजनक नहीं था, तो मैंने उसको तत्काल अपने मोशन को रिप्लेस मोशन में बदलने के लिए स्पीकर को अपनी एक और नोटिस दे दी और मैंने स्पीकर से इसी बारे में कहा, मैंने कहा देखिए
मंत्री एक तो सही जवाब नहीं देते हैं, दूसरा मंत्री का जवाब बहुत गैर जिम्मेदाराना है। आप इस बात से जो बीमारी देश के कई राज्यों में हो और मासूम बच्चे जिस बीमारी से मर रहे हो, कोई मंत्री उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। उन्होंने मुझसे अप्रोच किया, कहा कि क्या हो सकता है। मैंने कभी आप गोरखपुर में एम्स की घोषणा कर दीजिए। उन्होंने कहा कैसे संभव होगा। फिर उन्होंने कहा कि राहुल जी ने झांसी के लिए घोषणा की है, तो मैंने कहा झांसी बुंदेलखंड में आता है, गोरखपुरवांचल में आता है, गोरखपुर पूर्वांचल में आता है। उन्होंने अपने जवाब में इस बारे में कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी कि गोरखपुर और बुंदेलखंड में भी हम एम्स बनाने के समय कुछ प्रयास करेंगे। खैर सरकार आगे कुछ कार्य कर नहीं पाई थी, लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बात है कि वह हर एक बात को बहुत गंभीरता से लेते भी हैं। देश की सामाजिक, देश की सांस्कृतिक, देश की राजनीतिक, देश की भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार का निर्णय लेने की क्षमता और फिर उसके अनुरूप उस प्रकार की कार्ययोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति जो उनके अंदर, वे इस बात को देखते थे कि संसद के हर सत्र में मैं किसी न किसी बहाने इस मुद्दे को उठाता था, एम्स के लिए भी और साथ ही साथ इंसेफ्लाइटिस के उपचार और उन्मूलन के लिए कोई ठोस प्रयास हो। 2014 में हमारी सरकार आ गई, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आ गए। मोदी जी से जब चर्चा हुई तो मोदी जी ने कहा कि हम लोग गए, मैं यहां के कुछ सांसदों को लेकर के गया, चर्चा हुई, उन्होंने प्रस्ताव दिया, लेकिन उस समय बोला नहीं। मैं बाद में फिर एक बार अकेले भी गया, उनसे व्यापक चर्चा हुई, तो उस समय एक बात को लेकर के चलती थी कि एम्स बनेगा कहां। अंततः 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट से इस बात की स्वीकृति दिलाई कि उत्तर प्रदेश में एम्स गोरखपुर में बनेगा, और फिर 22 जुलाई 2016 की तिथि उन्होंने निर्धारित की जब गोरखपुर में एम्स गोरखपुर का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2016 में गोरखपुर में एम्स बनने की जब बात आई थी, मैं उस समय सांसद था और आप सबको आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार जमीन देने से इनकार कर दी, विवादित जमीन देना चाहती थी। प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे थे तो मैं प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री नृपेंद्र मिश्र जी के पास गया। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग चुका है, जमीन अभी नहीं मिल पाई है, शिलान्यास कैसे होगा। उन्होंने फिर राज्य सरकार से बातचीत की, मुख्य सचिव से प्रदेश के राज्य मुख्य सचिव से राज्य के बात करके जमीन का प्रस्ताव और उससे संबंधित एफिडेविट मांगा, और अंततः यह कार्यक्रम गोरखपुर में संपन्न हुआ। वो एक औपचारिकता थी, लेकिन मार्च 2017 में जब सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनी और मुझे दायित्व मिला, तो मैंने पहले ही बार में जमीन संबंधी सारी औपचारिकताओं को पूर्ण किया और मैंने कहा जितनी जल्दी हो सकता है एम्स की कार्रवाई अब प्रारंभ होनी चाहिए, चाहे उसमें रजिस्ट्री शुल्क में माफी का हो, भूमि संबंधी जितने अड़चने थे इनको दूर करने के साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर जो सुविधाएं उपलब्ध करानी थी सारी सुविधाओं को लेकर के एक ही बार में सारी बैठक करके सारी औपचारिकताओं को पूर्ण किया। कार्य प्रारंभ होते समय मैं यहां पर आया था और अंततः 24 फरवरी 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की ओपीडी ब्लॉक जो आयुष का ब्लॉक बना है उसी में उसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न किया।
आज मुझे प्रसन्नता है कि 50 बच्चे यहाँ पर MBBS के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए हैं और देश के अंदर 6 एम्स इस वर्ष प्रारंभ हुए हैं। ये पहला एम्स है जो अपने कैंपस में और अपनी बिल्डिंग में चल रहा है। पूरे देश के अंदर एम्स निर्माण की जो स्पीड है उसमें भी गोरखपुर आज नंबर एक पर है। और मुझे लगता है मैं भी नीचे एम्स गोरखपुर के साथ जुड़े ही उपलब्धियों को देख रहा था। कितना पोटेंशियल है आपके लिए मैं देख रहा था। एम्स गोरखपुर में दिखाने के लिए 2,92,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जब से आपकी ओपीडी प्रारंभ हुई है। जितनी फैकल्टी हमारी यहाँ बैठी है इनके पास 2,92,000 लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मुझे लगता है देश के अंदर किसी भी अन्य संस्थान में इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन नहीं हुए होंगे। जब एम्स फुल फ्लेज चलेगा आप तब अनुमान करिए कि कितना कितनी बड़ी मानवता की कल्याण की बात होगी। जो बात अभी यहां पर हम कह रहे थे कि हम सबके जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। कांवड़िये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थे नाशनम्, यानी एक ही कामना। और मुझे लगता है कि एक चिकित्सक के रूप में मानव कल्याण का जो ये मार्ग है इससे ज्यादा बेहतर दूसरा नहीं हो सकता है। मुझे अभी इस वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने और उनमें क्लासेस चलाने का एक अवसर प्राप्त हुआ। विगत 3 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन में बहुत कुछ करने का प्रयास किया। 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2016 से 2019 के बीच हम आज 15 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 15 में से 7 में हम लोगों ने इस वर्ष MBBS प्रथम ईयर में ही प्रवेश करवाया है। 700 बच्चे प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 700 बच्चों का प्रवेश दिलवाया है और सभी मेडिकल कॉलेजों को हम लोगों ने भी मेडिकल कॉलेजेस अपने ही कैंपस में प्रारंभ हो रहे हैं। 7 के 7 मेडिकल कॉलेजेस पहली बार और अगले वर्ष 8 नए मेडिकल कॉलेजेस में हम प्रवेश दिलाने जा रहे हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेज के हम फिर से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं। एम्स के पास अधिकार है कि उसके लिए NCI से उनको अपनी अनुमति नहीं लेनी होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब किसी संस्थान को रन करता है तो उसके लिए उसे NCI से भी अनुमति लेनी पड़ती है और NCI के अप्रूवल के बाद ही हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगले वर्ष 8 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग प्रारंभ करेंगे। 14 नए मेडिकल कॉलेज का जो हमने प्रस्ताव भेजा अगर इसकी अनुमति हमें मिलती है तो मान के चलिए 2022 में हम लोग 14 नए मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश भी करवाएंगे। तेजी के साथ इस फील्ड में व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो बहुत संभावनाएं इसके अंदर छुपी हुई हैं। लेकिन आज के इस युग में जब व्यापक प्रतिस्पर्धा हर एक क्षेत्र में हुई है, एक चिकित्सक के रूप में आप जब 4 साल 5 वर्ष के बाद जब अपना UG का कोर्स अपना पूरा करेंगे उसके बाद आप PG की तैयारी करेंगे, PG में आपका प्रवेश होगा, एक डॉक्टर बनकर के जब निकलेंगे आप याद करिए कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी सुविधा के लिए सरकार खड़ा करती है। सरकार का मतलब ये हम सब, हमारा अपना व्यक्तिगत पैसा नहीं है, इस देश का पैसा है, इस देश की 130 करोड़ की जनता का पैसा है। उस पैसे का उपयोग करते हुए जब हम कोई एम्स बनाते हैं, कोई मेडिकल संस्थान बनाते हैं, कोई इंस्टीट्यूट बनाते हैं, तब हमारे बच्चे वहां पर सस्ते में
अच्छी शिक्षा ले पाते हैं, अच्छी डिग्री ले पाते हैं। अगर यही एम्स निजी क्षेत्र में हो, एम्स जैसे संस्थान निजी हाथों में दे दिए जाएं और निजी हाथों से कहा जाए कि वह इस व्यवस्था को संचालित करें, तो एक एमबीबीएस यानी यूजी और पीजी की डिग्री में एक छात्र को कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अनुमान करिए, इस देश का कोई भी बच्चा 10 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके पास पैसा है स्वाभाविक रूप से हो सकता है उनकी रुचि मेडिकल फील्ड में न हो, और जिसके पास इतना पैसा नहीं है तो फिर उसका मतलब वह एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। सरकार ये पैसा खर्च करती है इसलिए जिससे हम अच्छे डॉक्टर दे सके, और अच्छे डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान हो सकती है उसकी संवेदना, मरीज के प्रति, मरीज के परिजनों के प्रति एक जवाबदेही, अपने समाज के प्रति, अपने कॉलेज के प्रति, अपने इंस्टीट्यूट के प्रति। और मुझे लगता है कि यह संवेदना ही एक डॉक्टर को महान बना देती है। अगर डॉक्टर के अंदर संवेदना नहीं है, डॉक्टर जवाबदेही से अपना कार्य ना कर सके, तो वह कुशल और योग्य डॉक्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर के अंदर संवेदना है, वह एक पेशेंट और उसके मरीज, उसके परिजन के संवेदना को अपने के साथ अपने आप को अगर जोड़ सकता है, एक बहुत बड़ी समाज को एक बहुत बड़ा वह कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी इस संवेदना के माध्यम से, और इसलिए एक संवेदनशील डॉक्टर आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, इंटर्नशिप के लिए आप लोग सिफारिश न क्या करें कि अक्सर होता है कोई सेलेक्ट कहीं अपने डिग्री पूरी करने का जाना होता है, ज्यादातर आप अपने हॉस्पिटल में करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे कुछ गांवों को एडॉप्ट करें जिनको इस सेवा की सर्वाधिक आवश्यकता है, जो आपके नाम पर जाना जाए। हमने इस वर्ष प्रारंभ किया है केजीएमयू लखनऊ से, मैंने कहा भी आप उत्तर प्रदेश का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर, नेपाल की सीमा से सटा है, उस जिले को गोद लीजिए, और केजीएमयू ने वहां कार्य अपना प्रारंभ कर दिया। अभी आप देखना नवरात्रि के साथ ही वहां पर वे लोग पूरे जिले के अंदर एक साथ केजीएमयू की टीम जाने जा रही है, कई गांवों के अंदर उनके हेल्थ कैंप प्रारंभ होने जा रहे हैं, उनकी ओपीडी प्रारंभ होने जा रही है, पूरा अपना एक अच्छे ढंग से वहां पर उन्होंने जो कार्य योजना वहां के लिए बनाई है, मैं मान सकता हूं कि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ क्वालिटी हेल्थ केयर की व्यवस्था अकेले केजीएमयू उस जनपद के अंदर करने में सक्षम है, कर देगा। ऐसे ही एम्स गोरखपुर को शुरू से ही इसकी गरिमा को बनाए रखते हुए एम्स की तर्ज पर ही इसको विकसित करने की आवश्यकता है, एक। और दूसरा, हमें कुछ ऐसे केंद्रों को विकसित करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए जहां इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। सिटी के अंदर मैं मानता हूं गोरखपुर सिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर सिटी के अंदर 5000 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। स्वाभाविक रूप से गोरखपुर सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज भी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, अन्य तमाम स्वास्थ्य के केंद्र हैं। लेकिन सिटी के बाहर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है, और हर एक केंद्र को कुछ ना कुछ ऐसे सेंटर विकसित करने चाहिए जो सेंटर उस के नाम पर पहचान बना सके और उसके नाम पर वे आगे बढ़ सके। दूसरा, अक्सर एक चीज हम लोग जो सुनते हैं कि मेडिकल कॉलेज जब फुल प्लेज चलेगा, यहां पे इंडोर पेशेंट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, उस समय अक्सर एक बात देखने को मिलती है कि जूनियर रेजिडेंट और
मरीज के परिजनों में मारपीट होती है, हमें रोकना पड़ेगा। देखिए पब्लिक के बहुत बड़े तबके का आपके प्रति अविश्वास होता है जब मारपीट होती है, तो लोगों के मन में खिन्नता होती है। देखिए पब्लिक इस बात को व्यक्त नहीं करती है, लेकिन उसके मन में, मुझे याद है गोरखपुर में आज तो बहुत अच्छी सुविधा है, व्यवस्था भी है, सुरक्षा भी है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब यहां अपहरण हुआ करते थे बड़े बड़े मात्रे में। एक बार गोरखपुर में एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी, और हत्या हुई तो मैं मौके पे गया, मैं यहां सांसद था, मौके पे मैं गया, डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, डेड बॉडी वापस आई, अंतिम संस्कार के लिए जा रही थी, आंदोलन शुरू हुआ, अपने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को बुलाया, हमने कहा भी इसके लिए जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा गोरखपुर सिटी हम लोगों के साथ खड़ा था। और तीसरे दिन अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मार दिए गए थे। 3 वर्ष के बाद एक डॉक्टर का फिर से अपहरण हुआ, अपहरण हुआ, हाहाकार मचा था, डॉक्टर का अपहरण हो गया, अपहरण हो गया। मैं बाहर था, वापस आया, डॉक्टरों के साथ बैठक हुई, हम लोग एक धरने में बैठ गए। मैं धरने पे एक चौराहे पर बैठा हुआ था, डॉक्टर्स मेरे साथ बैठे हुए थे, वहां से पब्लिक के कुछ लोग गुजर रहे थे, जब उन्होंने मुझे देखा तो वे लोग रुके, मेरे पास आए, उसमें से एक बुजुर्ग आदमी था मेरे पास आया, उसने कहा, मुझसे कहा, बाबा आप यहां क्यों बैठे हैं? मैंने कहा एक डॉक्टर का अपहरण हो गया है और प्रशासन इन अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे, इसके लिए हम लोग धरने में बैठे हैं। उसने अपना सिर पकड़ा, कहा कि बाबा आपको नहीं बैठना चाहिए, और आपको मालूम नहीं ये डॉक्टर नहीं है, आप कसाई हो गए हैं, जनता का शोषण करते हैं लोग। मैंने कहा आप क्यों बोल रहे हैं? कहा ये है, ये सच है। देखिए एक दिन वह था जब पूरा गोरखपुर सिटी हमारे साथ खड़ा था, और उसके कुछ ही वर्षों के बाद मैंने गोरखपुर की सिटी के उस मिजाज को भी देखा जब गोरखपुर का एक बुजुर्ग आदमी, सामान्य व्यक्ति जिसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति इस बात को कहता है कि आप धरने में मत बैठिए, अपहरण होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इन लोगों का। ये समाज की संवेदना है, हमें इस संवेदना को समझना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर समाज की संवेदनाओं को अपने साथ जोड़ सकता है तो उसका जन्म और उसका जीवन सफल हो गया। महत्वपूर्ण पैसे का नहीं होता है, महत्वपूर्ण पद का नहीं होता है, महत्वपूर्ण उस संवेदना की होती है जो समाज की संवेदनाओं को अपने साथ जोड़ सके। और आप जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं यह फील्ड उन संवेदनाओं से भरा हुआ है, और उन संवेदनाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे अवसरों को प्रदान करता है। और मैं उम्मीद करूंगा एम्स गोरखपुर उस व्यवस्था का हिस्सा बने, एम्स गोरखपुर उन मानकों को स्थापित करे, और जैसे अब तक 6 नए एम्स में एम्स गोरखपुर नंबर 1 पर चल रहा है, मुझे लगता है कि अपने इस क्रम को निरंतर आगे बढ़ा करके पूरे देश के अंदर प्रतिस्पर्धा में अपने आप को तैयार, आप लोग अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत के साथ इस कार्य को करेंगे, इस बात की मैं आपको अपने शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि अच्छी प्रोग्रेस एम्स गोरखपुर की है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, आगे बढ़ रहा है, हम लोगों को इस प्रक्रिया के साथ निरंतर जुड़ना चाहिए। यहां पर जो हमारे छात्र छात्राएं आई हैं पूरे देश से आई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो 50 MBBS प्रथम ईयर्स में, फर्स्ट ईयर में जितने भी 50 छात्र इसमें प्रवेश लिए हैं, इसमें 32 छात्र हैं, 18 छात्राएं हैं, पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। सचमुच आपके आने से गोरखपुर एक नव भारत की
एक नए स्वरूप में उभर करके सामने आ रहा है। गोरखपुर के पहचान के साथ एक नई पहचान एम्स गोरखपुर की मणि के रूप में आपने दिया है। इस मर्यादा को और इस भाव को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की होनी चाहिए। राज्य सरकार आपके साथ सदैव खड़ी है। किसी भी प्रकार की सुविधा के लिए और किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई भी अतिरिक्त सुविधा की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार सदैव आपको हर प्रकार की सुविधाएं, सुरक्षा और जो भी प्रकार की अन्य राज्य सरकार के स्तर पर जो भी जरूरतें आपकी होंगी, एम्स गोरखपुर को राज्य सरकार में उपलब्ध कराने में अपना योगदान देंगे। आप सबको इस इंटरेक्शन के लिए हृदय से धन्यवाद। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।